गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज का जो न्यू रिकमेंड आया है वो DRDO से आया है, और ये DRDO से जो जॉब ऑफर कर रहा है आपका कुल मिलाकर टोटल 10 वैकेंसीज दिया गया है, जिसमें सैलरी पैकेज 31 प्लस आपको सैलरी में पैकेज मिलेगा, मतलब 31,000 सैलरी मिलेगा पर मंथ, और ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका पोस्ट कौन सा रहेगा और बाकी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में, और कैसे अप्लाई करेंगे वो प्रोसीडियर भी यहाँ पे मैं दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, DRDO से मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी से जो रिक्रूटमेंट आया है वो एक्चुअली DRDO का DRDL डिपार्टमेंट में आपको जॉब ऑफर कर रहा है, जिसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, तो इसमें आपको जॉब ऑफर कर रहा है वो भी आपको देखिए ऑल ओवर इंडिया से, और कहाँ पे आपको जॉब लोकेशन होगा वो आपको सिलेक्शन होने के बाद ही पता चलेगा, अभी तक डिस्कस किया गया नहीं है। और 10 वैकेंसीज दिया गया है, जिसमें जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको मतलब मैकेनिकल इंजीनियर के लिए 7 पोस्ट है, और जूनियर रिसर्च फेलो के लिए आपको यहाँ पे देखिए एरोनॉटिकल और एरोस्पेस के लिए 3 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर 10 पोस्ट हुए। इस दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई करिए, परमानेंट जॉब है गवर्नमेंट सेक्टर में, फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपका एज लिमिट होना चाहिए 18 से 28 ईयर्स, और सैलरी पैकेज देखिए जो मैं पहले ही बता चुका हूँ 31,000 पर मंथ आपको सैलरी पैकेज मिलेगा। इसको अप्लाई करने के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया गया है, जनरल एससी एसटी ओबीसी कोई भी कैटेगरी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और उसके साथ आप देखिए सिलेक्शन जो प्रोसीडियर रहेगा वो सिलेक्शन प्रोसीडियर रहेगा टोटली मेरिट लिस्ट वाइज, मतलब आपका जो क्वालिफिकेशन है उसका मेरिट वाइज, और मेरिट वाइज आपको क्वालिफाइड करने के बाद मतलब मेरिट वाइज आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको रिटन टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो रिटन टेस्ट जो होगा वो मल्टी मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें आपको क्वालिफाइड होना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एडुकेशन क्वालिफिकेशन जो दिया गया है वो BA BTEC आपको कम्प्लीट होना चाहिए, वो भी फर्स्ट क्लास मैकेनिकल इंजीनियर में, तभी अप्लाई कर पाएंगे। और उसके साथ आपको गेट स्कोर मतलब विद वैलिड गेट स्कोर, मतलब आपका गेट स्कोर है तो तभी अप्लाई कर पाएंगे, मतलब आप गेट में क्वालिफाइड होकर BA BTEC कर चुके तो आप अप्लाई कर पाएंगे। और आप गेट में नहीं गेट नहीं दिया है तो आप ME और MTEC कम्प्लीट कर चुके हैं फर्स्ट क्लास से, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और यहाँ पे देखिए एरोस्पेस और एरोनॉटिकल के लिए आपको BA BTEC वो भी सेम फर्स्ट क्लास में आपको पास आउट होना है, उसके साथ गेट में आपको स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपको MA MTEC करना होगा, मतलब कर चुके हैं तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। और इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट रहेगा 14 जून, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, ज़्यादा देर टाइम नहीं है तो जल्द से जल्द अप्लाई कर सकते हैं आप। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात देखिए क्वालिफिकेशन का अप्लाई का पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं स्टेप वाइज दिया हुआ हूँ, तो जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन का प्रोसीडियर है टोटली ऑफलाइन है, मतलब आपको फॉर्म को भेजना होगा बाय पोस्ट के माध्यम से, वो भी देखिए यहाँ पे ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर GRF रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे देखिए जो जिस असमेंट एड्रेस में आपको भेजना है, यहाँ पे देखिए डायरेक्टर DRDL डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिशन कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे देखिए कांचीवाड़ा पोस्ट ऑफिस हैदराबाद 50058, इस एड्रेस में आपको भेजना होगा। तो फॉर्म कहाँ से मिलेगा देखिए, यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन में क्लिक करना और नोटिफिकेशन में क्लिक करना तो एक पेज में ही ओपन हो जाएगा, इसी पेज में जाकर आप ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, इस दोनों के मतलब रिसर्च सेंटर में ही आपको एप्लीकेशन करने का चांसेस मिल रहा है, तो आप जरूर अप्लाई करिए, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आप फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ आपका स्कोर मतलब आप पहले ही मैं बता चुका हूँ BA BTEC और स्कोर लेवल मतलब आपका गेट का स्कोर लेवल आपको अच्छा होना चाहिए तभी आप अप्लाई करिए, क्योंकि नहीं तो आप मेरिट लिस्ट में क्वालिफाइड नहीं हो पाएंगे, तो सेकेंड स्टेप आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। तो
पहले आप नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, उसके बाद अप्लाई करिए। और ज़्यादातर नोटिफिकेशन में आपको बहुत बहुत कर बहुत सारी चीज़ मिल जाएगा, आप पहले इसको चेकआउट कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म नीचे दिया गया है, तो इस फॉर्म को आप डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें, उसके बाद फिलअप करने के बाद पूरा डॉक्यूमेंट्स के साथ भेज दीजिए। तो एड्रेस मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे फिर भी मैं एड्रेस आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एड्रेस में फिर से आप एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस एड्रेस में आपको भेजना है, द डायरेक्टर DRDL, ठीक है, इस एड्रेस में आपको भेजना है। तो आई होप जो आपका पूरा डिटेल्स आपको समझ में आ गया, तो जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। और जाने से पहले मैं ये कहूँगा मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और सारे दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया जॉब लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट जॉब में, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।